अब्दुल अजीम साहब का जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे और हैं रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अब ये भी मीडिया वालों ने पूछा कि रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। देखो, बढ़ाना घटाना ये करने के पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ, हम शहद के छत्ते को छेड़ने न जाएं, शहर के छत्ते को छेड़ने न जाए। शहर के छत्ते को छेड़े तो बराबर काटेंगे मक्खियों। तो सवाल यहाँ यह है कि हमें ऑलरेडी 4% रिजर्वेशन मिला है, नंबर एक। नंबर दो, इसके अलावा जनाब के कहने के मुताबिक माइनॉरिटी को जो है अपना हक लेना सीखे। बस क्या हक लेना है? हमारे मुसलमानों का हक मुसलमान न छीने। वो ऐसा कि वहाँ एक इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो इकोनॉमिकल कंडीशन को क्या कर रहे हैं, अमीर जो है झूठी फर्जी सर्टिफिकेट ला गरीबों का हक तोड़ रहे हैं, हमें हमारे मुसलमानों का हक तोड़ रहे हैं। ये पहले रुकना चाहिए। इसके वास्ते मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि सख्त कार्रवाई उन पर करो जो फर्जी सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, जब जाके हमारा मुसलमान तबका आगे आएगा। ये नंबर वन। नंबर टू ये है कि 4% 2B में हमारा रिजर्वेशन है, उसके अलावा हमें कैटेगरी वन में भी हिस्सा ले सकते हैं, कैटेगरी 2A में भी हिस्सा ले सकते हैं, कैटेगरी 3B में भी हिस्सा ले सकते हैं। वो हमारी इसके तहत कसबकारी पर, मिसाल के तौर पर भंगी का माना जो है वो चंद चीज़ें हैं, वो दूसरे कैटेगरी में हमारा हक है। उसके वास्ते आप चेयरमैन हैं, इसकी बेदारी एक मुहिम चलाएं तो अच्छा रहेगा। और दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि हर MLA काउंसिल में आपका धाक रहे, हर MLA आपके कहने पर नाचता हुआ है। वो कब होगा कि हम और आप मिलकर तालुक लेवल मीटिंग करेंगे। तालुक लेवल मीटिंग नहीं करने होता तो कम से कम लोकसभा का एक MP को 8 MLA आते, वो 8 MLA और MP तुम्हारे BJP के जीता होना, कोई मेरी पार्टी से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ का MLA आपकी उंगली पर ना सुना, अगर वो तुम्हारी बात नहीं माना तो वो हाथ तक कुछ यकीन होना, ये यकीन दिलाने की एक मुहिम चलाओ। तो मैं आपका साथ दूंगा इसमें, मैं और आप कौम के लिए 24 घंटे तैयार। तो मेरे पास पावर नहीं है, आपके पास पावर है, मैं प्लान बना कर दूंगा, उसे इम्प्लीमेंट करो, इंशाअल्लाह अल्लाह जो है इसमें हमें कामयाबी देगा। तो मैं हमारे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, जब तक जामिया मस्जिद का या हिलाल कमेटी का फरमान नहीं आता, तब तक कोई ऐसा काम गैर कानूनी न करें जिसकी वजह से आप अंदर तो जाएं, फिर तुम्हें छुड़ाने के लिए फिर हमें किससे दूर थे उसी के घर जाकर हमें कुछ नहीं करते, वो हाथ भरने की नौबत ना आए। ये मैं गुजारिश करते मेरे अल्फाज को ख़त्म करता हूँ। 2 मिनट। इलाही परवरदिगार आलम करता है इल्तिजा तुझसे, मासूम सत्तार है गफ्फार है और रज़्ज़ाक भी, सुन ले दुआ मेरी रहमान और रहीम। इलाही 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 तू ही तो है इलाही इलाही, दुआओं में मेरी असर दे इलाही, गुनाहों से हमको पना दे इलाही, रहमत में अपनी बसा के हमें तू, जन्नत में अपनी जगह दे इलाही। क्योंकि हवा को तूने आदम से मिलाया, जुलेखा को तू यूसुफ से मिलाया, रहीमा को अय्यूब से सब्र सिखाया,
हमें हमारे आका नबी से मिला दे, इलाही 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 तू ही तू है इलाही। नार से तू खलील को बचाया, छुरी से तू जबी को बचाया, मछली से तूने यूनुस को पना दी, अजाब जहन्नम से हमको बचा ले, इलाही 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 तू ही तू है इलाही इलाही। मूसा को तू कलीमुल्ला बनाया, ईसा को तू रूहुल्ला बनाया, आका को मेरे हबीब बनाया, हम तमाम को उम्मत मोहम्मद बना दे, इलाही 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 तू ही तू है इलाही इलाही। दुआओं में मेरे असर दे इलाही, गुनाह से हमको बना दे इलाही 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 तू ही तू है अल्लाह। तो इस मौके पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, और आज एक महफिल भी यहाँ पर मुनक़द हुई है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो है बहुत सारे लोग मेरे वेल विशर्स और जो हाजतमंद लोगों की दुआएं मेरे साथ में। मैं परसों ही आप मेरे पास आए थे, आपने मुझे सवाल किया इसके बाद में नेक्स्ट क्या, कौन चेयरमैन बनेगा। मैंने आपको जवाब दिया कि बहुत सारे लोगों के दुआएं मेरे लिए जमा हुए हैं, ये चेक की है ईसीएस से, वो कभी भी इनकैश हो सकता है। तो आपको अगर सच कहना है तो ये अल्लाह ने मुझे सबसे ज़्यादा जो हाजतमंद जिनकी मैं खिदमत किया हूँ उनके लिए मुझे एक्सेप्ट करके ये दूसरा मौका मुझे दिया है। ज़ाहिरी तौर पर जो है हमारे रियासत के वज़ीर आला जनाब बसवराज बोमाई जी ने मेरा आर्डर को साइन किया और मुझे ये घंटा भी अनएम्प्लॉयड रहने का मौका नहीं मिला। तो जैसा मैंने 5:30-6 बजे आप भी थे मेरे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे मैं उठने के लिए गया तो जो है मुझे मैसेज आ गया है कि आर्डर जो है सीएम की तरफ से माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट को पहुंचा है। तो फौरन में वहां पर गया और हमारे माइनॉरिटीज के सेक्रेटरी, उन्होंने हिदायत दे रखी थी आज आधी रात भी हो मगर उनका आर्डर उनको पहुंचना है, क्योंकि सीएम की ऑफिस से फोन आया है, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से फोन आया है। तो इस तरह जो है मैं खुद कहा कि आर्डर जो कल सवेरे भेज कर दो, तो सवेरे आर्डर आया, फिर से मैं कुर्सी के ऊपर जाके बैठा हूं। बहुत सारे लोग मुझे सवाल कर रहे थे एक महीने से, क्या होगा इसके बाद में, क्या अभी वही जुनूबी हिंद के जो आपका न्यूज है उसमें कहें कि कौन बनेगा नेक्स्ट ईयर, यही सवाल। अब जवाब मिल गया तो अल्लाह ने मुझे बना दिया है। तो आप जो है मैं हर जगह ये बात कह रहा हूं, गवर्नमेंट कौन सी भी हो, मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब ईमान वाले हैं, दुनिया वालों पर भरोसा नहीं करते हैं, उसकी जात पर भरोसा करते हैं। तो जो है सूरज को बनाने वाला, चांद को बनाने वाला, जमीन को घुमाने वाला, बरसात को बरसाने वाला, वो हमारी जो भी हमारा तहफ्फुज़ जो है उसके हाथ, तुम परेशान क्यों होते, जाहिरी चीजों को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन इस वक्त एक बेचैनी ये है मुसलमानों में और अकलियतों में कि अकलियती रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बातें कही जा रही हैं। देखिए मैं परसों ही ये बात कहा था, हमारा रिजर्वेशन कोई खत्म नहीं कर सकता, ये किसी की बस की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबको दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों को ये रॉन्ग इम्प्रेशन है कि मुसलमानों को धर्म और जात के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला है वो प्रेजेंट हमारा इकोनॉमिक पोजीशन, हमारा एजुकेशनल स्टेटस, सोशल स्टेटस, ये देखकर जो है हम जो है एक बैकवर्ड क्लास में हमारा जो है पोजीशन है आज,
तो वो आधार के ऊपर दिए हैं, इसको तो कोई निकाल नहीं सकता। अगर कोई कहा है तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है वो, इसके बारे में बहुत बड़ी जांच करना होगा। तो मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई फिक्र मत करें। इसके बजाय अब जो दूसरी जातों को जो उन्होंने रिजर्वेशन बढ़ाया है, इसी तरह हमको भी चाहिए कि कम से कम 6% रिजर्वेशन मिले। हम सरकार से पूछेंगे, पूछना हमारा फर्ज है, ऊपर वाला डिसाइड करेगा, हिदायत देगा। तो जो है ये हमारे 4% को कोई नहीं छीनेगा। और भी एक बात मैं बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट की तरफ से हो, प्रेजेंट हमारे पास बीजेपी गवर्नमेंट है, या बीजेपी पार्टी की तरफ से हो, इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। ये इसके बारे में फैसला भी नहीं लिया। चंद लोग हैं वो उनके दिल में ये किस्म का जो है भड़ास होती है, उन्होंने इस तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं। कोई एक एमएलए खड़के बोल देने से हमारा रिजर्वेशन कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, उसके बाद सरकार से भी भरोसा करो, सरकार के सामने इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, ये सरकार के ऐसे ख्यालात भी नहीं है। अलबत्ता आपकी ये कोशिश भी होगी कि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, ये जरूर आए लोग, बहुत सारे लोग आके हमारे पास रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। हमारा सिफारिशनामा भी सरकार को पहुंचेगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।